नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। खबर गाजीपुर से है, जहां लॉकडाउन के दौरान पूर्व मंत्री विजय मिश्र द्वारा प्रतिदिन करीब 4000 पैकेट भोजन का वितरण जरूरतमंदों के बीच में किया गया। उन्होंने इस कार्य को बखूबी किस तरह से निभाया, आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अभिनेंद्र के साथ पूर्व मंत्री विजय मिश्र का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सबसे ज्यादा असर मजदूर तबके को हुआ। मासूम बच्चे तड़पने लगे, सड़कों पर पैदल चलने लगे। कोई भूखा था तो किसी के पास रोटी थी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उसे रोटी नसीब न होने दिया। वहीं दूसरी तरफ था हिंदुस्तान का दिल, यानी उत्तर प्रदेश का जनपद गाजीपुर और गाजीपुर शहर, जहां भुखमरी ने दस्तक तो दी लेकिन अपने पांव न पसार सकी, क्योंकि जनपद गाजीपुर में बसता था मिश्रा जी की रसोई, और मिश्रा जी की रसोई ने हजारों लोगों के पेट भरने का काम किया। जहां से रोजाना करीब 4000 भोजन का पैकेट जरूरतमंद लोगों के बीच में वितरण किया जा रहा था, और वितरण कर रहे थे वो कोरोना योद्धा, जिन्होंने ना बारिश देखी, ना तूफान देखा, ना आंधी देखा, ना धूप देखा, और पहुंच गए लोगों के घर घर तक भोजन का पैकेट पहुंचाने। जब लोगों की भूख मिटी तो उनके चेहरों पे मुस्कान आई, और जब मुस्कान आई तो दिल को ठंडक पहुंची कि हमारे देश में अभी भी कुछ चीजें जिंदा हैं जो हमारे देश के लोगों को भूखा नहीं रख सकती, उन्हें मदद जरूर पहुंचा सकती। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपका। ये जो पूरा कार्यक्रम आपका चला है, मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की है इस कार्यक्रम की, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह जो आपके रसोई से जुड़े हुए सहयोगी थे, किस तरह वो जाते थे घरों घरों तक और भोजन पहुंचाते थे, और ये प्रतिदिन काम चलता था। तो ये जो पूरी प्लानिंग थी, और सबसे इसमें बड़ी बात थी जिस तरह से आप लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया कि हाँ यही जरूरतमंद है जिसे हमें भोजन देना है, ये कैसे मुमकिन हो पाया? देखिए, जनपद का हम और विशेष करके नगर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो हर मोहल्ले में हर गली गली की मुझे जानकारी, और उन गलियों के विशेष जानकारी किसको, ये भी मुझे जानकारी। उन सब लोगों से निवेदन कर कि कहाँ कौन जरूरतमंद है उसकी सूची आप भिजवाइए, और एक एक व्यक्ति की सूची जो हमारे आवास पर सूचीबद्ध हो रही उसमें उस क्षेत्र के लोगों ने पहुंचाया, और केवल सूची ही नहीं पहुंचाई, फिर उन लोगों ने जो उनको जिम्मेदारी दिया, हमने निवेदन किया जो उनसे कि आप उनको जितने लोगों की सूची आपने दी उनको दोनों वक्त का भोजन उनके दरवाजे तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। जिन लोगों ने इतनी संकट के समय, जिस समय लोग कोरोना के डर के मारे घर से नहीं निकल रहे, उनको कर्मवीर की उपाधि हमने दी, और वो कर्मवीर साथियों ने जरूरतमंदों की सेवा करने अपनी पूरी शक्ति लगा। तमाम चीजें होती हैं कि आप भोजन दे रहे हैं उसकी एक सीमा होती है। लोग घरों में बर्थडे पार्टी करते हैं, शादियां करते हैं, तो भी 4000 लोगों को शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा या बहुत धनी व्यक्ति होगा जो इतने लोगों को आमंत्रित करता होगा। लेकिन इस रसोई से जो आपने रसोई की स्थापना यहाँ की है, और इस लॉकडाउन के दौरान रोज तकरीबन 4,4200 लोगों को खाना पहुंचाना, ये कैसे मुमकिन हो पाता है इतना, कि इतना भोजन बने इतने लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम, कोई गैप नहीं, कोई अपसेंट नहीं? देखिए, सेवा जो होती है वो लिमिट नहीं है, सेवा अनलिमिटेड होती है, जरूरतमंद कितने हैं उस पर निर्भर, और उसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, मैंने कुछ नहीं। यह गाजीपुर की जनपद के लोगों ने गाजीपुर के लोगों की जरूरतमंद लोगों की जरूरत को पूरा करने का काम गाजीपुर के लोगों ने ही किया, और मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने एक पवित्र सोच के साथ एक रसोई की स्थापना की, इसमें गाजीपुर के सभी लोग, किसी ने श्रमदान देकर के, किसी ने अन्नदान देकर के, किसी ने अन्नदान देकर के, किसी ने सब्जी दान देकर के, किसान गेहूँ चावल तक लाद लाद के ले आए और इस रसोई की जरूरत को पूरा करने का काम किया। तो एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जब पवित्र सोच होती है ना, काम अपने आप
सफल होता है।